जय माता दी। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए रोजाना हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरुत्मकम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये, इस मंत्र की एक माला रोजाना करना चाहिए। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। अपनी श्रद्धा भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी को केले चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी को बेसन के लड्डू खिलाना चाहिए, हनुमान जी की पांच परिक्रमा करना चाहिए और समय समय पर जब भी आपको समय मिले सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी मंदिर में ही बैठ करके करें, घी का दीपक प्रज्वलित करके करें, राम दरबार अवश्य रखें और वर्ष में एक बार कभी भी जब आपकी इच्छा हो, पूर्णिमा जरूर हो, उस पूर्णिमा के दिन अखंड रामायण का पाठ अवश्य करें। किसी भी ब्राह्मण का अपमान न करें। हनुमान जी के मंत्र और भी हैं, हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, एक मंत्र ये है। ओम ह्रीम हनुमते राम दूताय नमः, एक मंत्र ये है। ओम हौम हस्प्रेम खप्रेम हस्तोम हस खप्रेम हसोम ओम, एक मंत्र ये भी है। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा, एक मंत्र ये भी है। इस प्रकार से जो मंत्र आपको अच्छा लगे उन मंत्र की एक माला, तीन माला, पांच माला या ग्यारह माला करना चाहिए। हनुमान जी की यदि सेवा करना चाहते हैं तो मांस का, मदिरे का, अंडे का सेवन न करें, शराब, विस्की, बियर इसका सेवन न करें और विशेष बात है पराई स्त्री का भोग बिल्कुल भी न करें। पराई स्त्री के ऊपर गंदी नजर न रखें, मन में कल्पना करके भी पराई स्त्री के साथ कोई गलत काम न करें, मन में भी न करें, ये अवश्य ध्यान रखें। स्त्रियों को अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों को मां समान मान के चले, ये उनका उसूल है, उनका नियम है। मंगलवार का व्रत उपवास अवश्य रखें और मंगलवार के दिन एक समय भोजन करें बिना नमक का। इस प्रकार ये सब कार्य करने पर हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी को जब भी चोला चढ़ाएं वो सब सूर्य उदय होने के पहले चढ़ाएं। सूर्य उदय होने के बाद हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की सेवा में चले जाते हैं ऐसा कहा जाता है, इसलिए सूर्य उदय के पहले पहले पूरा चोला चढ़ जाना चाहिए, उसकी उनकी आरती हो जाना चाहिए। साथ ही साथ श्री हनुमान जी को तुलसी की माला अवश्य चढ़ाए, हनुमान जी मंदिर में तुलसी लगाए और हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला, गुलाब का इत्र अवश्य चढ़ाए, चमेली के तेल का दीपक लगाए, हो सके तो घी का दीपक भी लगाए और उनकी आराधना करें। श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इस मंत्र का भी हनुमान जी के समक्ष बैठ करके ताली बजा करके इस मंत्र को भी जप करें, पांच मिनट या दस मिनट। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 पाप कटे दुख मिट लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिट लेत राम नाम राम 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 श्री राम राम राम।